बसंत पंचमी कब है जानिए, तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन सामग्री, उन महत्व के बारे में पूर्ण रूप से मतलब विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। विद्या, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी का त्यौहार इस साल 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी है और ज्ञान को संसार में सभी चीजों से श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ है। मान्यता है कि बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी माँ काली का भी आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बसंत पंचमी की पूजा का मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी तिथि पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से होगी और 26 जनवरी 2023 को सुबह 10:28 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है। बसंत पंचमी का त्यौहार धार्मिक दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन बच्चों को अक्षर लिखवाकर शिक्षा की शुरुआत की जाती है। बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, आशीर्वाद का प्रतीक है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले व्यंजन बनाए जाते हैं। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को हल्दी, केसर, पीले फूल, पीली मिठाई से पूजा की जाती है। साथ ही देवी सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप हिंदी की माला से मतलब हल्दी की माला से करना शुभ होता है, इससे बुद्धि तेज होती है। बसंत पंचमी की पूजा सामग्री इस प्रकार है। माँ सरस्वती की पूजा में सफेद तिल का लड्डू, गन्ना एवं गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, सफेद या पीले वस्त्र, श्वेत अलंकार, अदरक, मूली, शर्करा, सफेद धान के अक्षत, मोदक, घृत, पके हुए केले की फली का पिस्टक, नारियल, नारियल का जल, श्रीफल, बदरी फल, ऋतु फल, पुष्प आदि होना चाहिए। बसंत पंचमी की पूजा का शास्त्रीय बहुत महत्व है। इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। कामदेव मदन का जन्म आज के दिन हुआ था। इसी दिन मतलब लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना भी आज करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।